अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे टेस्टी राजमा की रेसिपी। ये बहुत ही लजीज बनती है और इसकी कॉम्बिनेशन में आज मैं आपको सिखाऊंगी लच्छेदार पराठे घर में कैसे आसानी से बनते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी लेयर्स आएंगी। ये देखिए इतनी अच्छी लेयर्स हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको कुलचे बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राजमा लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप राजमा लिया है। इस राजमा को अच्छे से आप धो लीजिए और इसे हम जो है भिगा देंगे। एक बड़े बर्तन में इस राजमा को ट्रांसफर करते हैं और उसमें जो है इतना पानी डालिएगा कि राजमा आराम से भीग जाए और फूलने पर भी जो है ऊपर पानी की लेयर रहे। तो ये देखिए मैंने इस पर इतना पानी डाल दिया है। अब इसे जो है मैं कम से कम 6 से 7 घंटे या पूरी रात भिगा के रखूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे पूरी रात भिगा के रखा था, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जो है मैं इसे कुकर में ट्रांसफ़र करूंगी और इसे 1 सीटी दिलवा लेंगे, जिससे कि राजमा बचा हुआ जो है वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। जब हम इसे मसाले के साथ कुक करेंगे तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने जो है देखिए थोड़ा इसमें पानी डाला इसके हल्के से सरफेस के ऊपर तक और इसे 1 सीटी आने तक मैं वेट करेंगे। आज हम लच्छेदार पराठे बनाएंगे, वो जो है खाली मैदे से नहीं बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है और 1 कप जो आटा हमारा डेली यूज़ वाला होता है वो लिया है। आप चाहे तो पूरे मैदा यूज़ कर सकते हैं या पूरे आटे से भी इसे बना सकते हैं। तो किसी बड़े बर्तन में हम इसे ले लेंगे। इसमें मैंने मैदा और आटा मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है इसमें और 1/4 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया है। इससे हमारे पराठे काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। इसके साथ साथ 1/4 टीस्पून अजवाइन भी डालिए। अजवाइन बहुत अच्छी होती है क्योंकि हम मैदे का कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं, तो अजवाइन जो है डाइजेशन भी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ मैं 4 चम्मच जो है दही डालूंगी इसमें और 1 टेबल स्पून भर के ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को जो है अपने हाथों की मदद से अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे हम और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, उसे हाथों की मदद से अच्छे से मलेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी चिकनाहट सी आ जाए। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। हमें इतना सॉफ्ट डो चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए इसे। और इसे 5 से 10 मिनट जो है हम अच्छे से ढक कर रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो एक गीले कपड़े से जो है इसे अच्छे से कवर कर दीजिए 5 से 10 मिनट और इसे साइड में रख दीजिए। अब मैंने 2 टमाटर जो है इसे मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसको एक प्यूरी बना लेंगे। चलिए अभी कुकर लेते हैं, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें कुछ गर्म मसाले डालेंगे। इसमें जो है दालचीनी का टुकड़ा डाला है 1/2 इंच का और 2 तेज पत्ता डाला है। जैसे ही थोड़ा गर्म होने लग जाए इसमें जो है हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टीस्पून। इसे अच्छे से हम भून लेंगे। फ्लेम को भी हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखना है हमें। जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन हल्का हल्का रिमूव होने लगी जाए तब जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। देखिए हल्का हल्का ऑयल ऊपर सरफेस पे आने लगा है, तो इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जो है मैं देगी मिर्च डालूंगी इसमें 1 टीस्पून, जो कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं हम उसे। ये सिर्फ कलर के लिए होती है। इसके साथ साथ जो हमारा नॉर्मल रेड चिली पाउडर है वो 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम। हल्दी 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून जो है मैं धनिया पाउडर इसमें डालेंगे। अब सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से हम भून लेंगे।
लो फ्लेम पर, जैसे जैसे मसाला भुनने लगेगा उसका ऑयल जो है वो सरफेस छोड़ने लगेगा। देखिए हल्का हल्का ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। बस इसे हम 2 से 3 मिनट और अच्छे से भून लेंगे। राजमा जो है एक विसल के बाद मैंने इसको स्ट्रेन करके और बाहर निकाल के रख लिया था, तो ये देखिए राजमा हमारा रेडी हो गया है। अब इस राजमा को हम इसमें ऐड करेंगे। उन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट और अच्छे से भून लेंगे सब मसालों के साथ। हमारा राजमा भुन चुका है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसमें मैंने 2 कप जो है भरकर पानी डाला है और इसे 3 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे ताकि राजमा जो है अच्छे से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। 3 विसल आने तक हम इसे कवर कर देंगे। तो ये 3 विसल आने के बाद ये देखिए राजमा हमारा अच्छे से गल गया है। अब इसमें जो है मैं 1/2 टीस्पून गर्म मसाला ऐड करूँगी और थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है हाथों से क्रश करके वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से 2 मिनट तक और पका लेंगे धीमी आंच पर। इसके साथ साथ जो है हमें फ्रेश हरा धनिया इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी और 1 टीस्पून बटर। ये सब चीज़ें इसमें अच्छे से डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक हम जो है लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि बटर का टेस्ट इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये हमारा राजमा बनके हो गया है रेडी। चलिए अब हम जो है कुलचे बनाना स्टार्ट करते हैं इसके साथ लच्छे पराठे। तो सबसे पहले हम लच्छा पराठा बनाएंगे, तो इसके लिए एक मीडियम लोई बना लीजिए। इसको हम हल्का सा आटा डाल के डस्ट कर लेंगे और अच्छे से बेल लेंगे पूरा। जब ये बेल जाए तो इसके ऊपर हम अच्छे से चारों तरफ जो है घी लगाएंगे। आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है मैं थोड़ी सी कलौंजी की सीड्स डालें, हल्का सा सूखा आटा जो है ऊपर से डस्ट करेंगे। इससे जब हम इसकी लेयरिंग करेंगे तो वो अलग अलग परतों में खुल जाएगा। अब छुरी की मदद से पतली पतली स्ट्रिप्स काट लीजिए इसकी। जितनी पतली स्ट्रिप्स काटेंगे उतनी इसमें लेयर्स आएंगी। तो ये सारी स्ट्रिप्स कट गई हैं। अब हाथों की मदद से हल्का हल्का हम इसे एक के ऊपर एक जो है लपेट देंगे। ये देखिए ये सारी लेयर्स इकट्ठी हो गई हैं। इसके बीच में हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे हल्के से हाथों की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। थोड़ा टाइट दबा के फोल्ड करिएगा और जो आखिरी का हिस्सा बचेगा उसे हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे और प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारी लोई बन गई है। अब इसे जो है हल्का सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, फिर से इसे बेल लेंगे। ज़्यादा खड़े हाथों से इसे ना बेलें, हल्के हल्के हाथों से बेलिएगा। उसका साइज जितना आप मोटा पतला चाहें उतना रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पतला साइज रखेंगे तो इसकी लेयर्स खुलेंगी नहीं, इसलिए इसका साइज जो है ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा ना रखें, बस मीडियम रखिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसका साइज कैसे रखना है। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए जिससे सारी लेयर्स आपस में खुलें। यहाँ मैंने तवा गर्म होने रख दिया था, तो चलिए इस पराठे को हम इसके ऊपर सेक लेते हैं।
जब ये एक साइड से सीख जाएगा तो इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से सीख लेंगे। फ्लेम हमें जो है हाई नहीं रखना है, इसे मीडियम आंच पे ही पकाना है। अगर तेज आंच पे रखेंगे तो कच्चा रह जाएगा अंदर से और लेयर्स नहीं खुलेंगी। इसे मीडियम आंच पे सेकते हुए ही पकाना है। तो जब दोनों तरफ से अच्छे से सीखने लगेगा तो अपने आप ही इसकी लेयर्स हल्की हल्की खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हम जो है घी लगा देंगे, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। चारों तरफ जितना अच्छे से हम इसमें ऑयल स्प्रेड करेंगे या घी स्प्रेड करेंगे, लेयर्स एक ही अपने आप खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे ये सीखेगा लेयर्स अपने आप ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए चारों तरफ से हम इसे दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे। तो ये हमारा अच्छा पराठा बन गया है। ऐसे हम बाकी लच्छे भी बना लेंगे। इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको कि देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बनी है इसमें। अब इसी लोई से जो है हम आपको कुलचे बनाना भी सिखाते हैं। यही लोई लीजिए, इसको अच्छे से बेल लीजिए लंबा लंबा। इसके साथ जो है हम इसमें कलौंजी और जो नॉर्मल हरा धनिया है वो स्प्रेड करा है, बस अच्छे से लंबा लंबा बेल लिया है। इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और उसके जो पीछे वाला साइड होता है इसमें हल्का हल्का हम पानी लगाएंगे और तवे पे इसको सेक लेंगे। इसे स्लो फ्लेम पर सेकिएगा ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। जैसे जैसे फूलना स्टार्ट हुए हम उसे जो है पलट देंगे। एक ही हमने जो बैटर बनाया था दो बनाया था, उसी से जो है हमने लच्छा पराठा भी बनाया, उसी से कुलचा भी बनाया है। आप चाहे तो इस कुलचे के अंदर जो आलू की स्टफिंग भी फिल कर सकते हैं। इसे भी हल्का सा घी लगा लेंगे और ये हमारा कुलचा भी बनकर रेडी हो गया है। ऐसे ही मैं बाकी कुलचे और लच्छा पराठा बना के रेडी कर लूँगी। कुलचे के साथ साथ मैंने और लच्छे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं और उसकी भी लिया देखी कितने अच्छे से ओपन हुई है। तो बहुत ही इजी तरीके से हम घर में जो है लच्छे पराठे और कुलचे बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप मेरी टिप्स को फॉलो करिए तो आपके भी लच्छे पराठे बहुत ही क्रिस्पी और उनकी लेयर्स जो है बिल्कुल ऐसे ही अलग अलग होगी। देखिए अच्छे से सेक लिए हमें। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। देखिए कितनी आसानी से हमने घर में कितना टेस्टी और यम्मी सा राजमा बनके रेडी हो गया है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा, लग रहा है ना बिल्कुल होटल जैसा। तो चलिए इसके साथ हमारे लच्छे पराठे और हमारी कुलचे सर्व करते हैं। तो आप भी अपने घर पर इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। Thanks for watching.